इस वीडियो में सीखेंगे आप बहुत ही आसान तरीके से एक मास्क बनाना। इसके लिए आपको एक चौकोन कपड़ा लेना है, बिल्कुल रूमाल की तरह, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। जैसे कि मैंने इसको लिया है 11 इंच का, इसकी लंबाई 11 इंच है और इसकी चौड़ाई भी 11 इंच है। तो इस तरह आप एक चौकोन पीस ले लीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक कॉर्नर को पकड़ना है और इस तरह पलट देना है, और फिर बीच से पकड़ना है और इसको फिर पलट देना है। तो इस तरह आप इसका ट्रायंगल बना लीजिए। अब इसकी एक बीच सेंटर में निशान लगाना है। इस तरह एक निशान लगा लीजिए, और जितना ही इधर है उतना ही आपको इस साइड रखना है। तो एक निशान हमने यहां पे लगा दिया, और एक निशान आपको इस साइड लगाना है। तो इस तरह आपको ये तीन निशान लगाना है। अब इसमें गुलाई देना है। तो गुलाई देने के लिए आप एक प्लेट उठा लीजिए, उससे आपको गुलाई बनाने में बहुत आसानी पड़ेगी। तो इस तरह आप एक प्लेट उठाइए और इस तरह मिलाकर रख दीजिए, जिससे आप आसानी से गुलाई बना देंगे। फिर इस तरफ को घुमाना है और इसी निशान से इसको मिला देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर 1 इंच के हिसाब से निशान लगाना है। मीडियम साइज में आपको 1 इंच के हिसाब से निशान लगाना है। इस तरह निशान लगाइए और इस तरह मिला दीजिए। यहाँ पे आपको 1/2 इंच के हिसाब से निशान लगाना है। तो जिस साइड से, दोनों साइड से खुला हुआ है, उस साइड आप निशान लगा लीजिए। इस साइड से पूरी तरह से बंद है। अब प्लेट को इस तरह रखिए और इस तरह इसमें हल्की सी गुलाई दे दीजिए। अब आपको बस इसी निशानों पर कटिंग करना है। तो इस तरह इसकी कटिंग कर लीजिए। उसके बाद इस तरह इसको खोल दीजिए। इस तरह आपको इसको खोल कर रखना है। अब आपको इस पर 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई चलाते जाना है। तो इस तरह मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह हमने इसमें गुलाई से सिलाई डाल दी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको बीच से पकड़ना है। इस तरह कीजिए, इस तरह आपको मिलाना है इसको, और 2 पॉइंट के हिसाब से यहां पर भी सिलाई डाल देना है। तो इस कपड़े को इस तरह पकड़िए, 2 भाग में बांटिए, फिर इस पे प्रेस हो जाएगी। इस तरह कपड़े को करते हुए यहां पर सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको सिलाई डालते जाना है और यहां पर लास्ट कर देना है। तो इस तरह आप इसमें सिलाई डाल दीजिए। उसके बाद यहां पे 2-3 कट लगा दीजिए, और इस कपड़े को इस तरह थोड़ा काट कर निकाल दीजिए, जिससे यहां पर ये मोटा नहीं होगा। ठीक है, इस तरह आप काट दीजिए और यहां पे कट लगा दीजिए। अब इसको पलटना है। तो जिस साइड से खुला हुआ है बस इसको पलट दीजिए। तो इस तरह आप इसको पलट दीजिए। पलटने के बाद अच्छे से इसमें प्रेस कर लीजिए, जिससे फिनिशिंग आ जाएगी। तो प्रेस लगाने के बाद ये सिलाई अच्छे से बैठ जाती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि इलास्टिक लेना है, और मीडियम साइज में आपको इलास्टिक की साइज रखनी है 7 इंच। इस तरह चेक कर लीजिए और काट कर निकाल लीजिए। तो इस तरह हमने डबल इलास्टिक को निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है कि थोड़े से कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है। इस तरह कपड़े को पकड़िए और अंदर की साइड दबा दीजिए। इस तरह कपड़े को अंदर की साइड करना है। उसके बाद इलास्टिक को 1/2 इंच अंदर की साइड कर दीजिए। निशान लगा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 1/2 इंच इलास्टिक आपने इसके अंदर कर दी है। तो इस तरह इलास्टिक को फिट कीजिए और इसके ऊपर सिलाई चला दीजिए।
तो इस तरह हमने दोनों साइड इसमें इलास्टिक फिट कर दी है। तो देखा कितने जल्दी बनकर ये कंप्लीट हो गया है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए।